कैसे आप सभी बच्चों, उम्मीद है आप सभी खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, वीडियोस देख रहे होंगे और अपना कार्य भी पूरा कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज के हिंदी कक्षा 2 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 8। बच्चों, पाठ 8 है चलो खेलते हैं, जैसा कि कल हमने विचार किया था और पहला अनुच्छेद पढ़ा भी था। तो बच्चों, ये जो पाठ है ये बाकी के पाठों से थोड़ा सा भिन्न है या अलग है। कल भी मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में हम मीशा भालू का जन्मदिन मनाने के बाद क्या हुआ वह पढ़ रहे थे। तो कल मीशा भालू का जन्मदिन था और उसके बाद मीशा भालू को जन्मदिन में क्या क्या उपहार मिले और उन उपहारों को उसने किस तरह से उनको अपने दोस्तों के साथ मिल करके खेला, ये सारी बातें हम कर रहे थे। लेकिन बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, ये पाठ दूसरे पाठों से अलग है क्योंकि इन पाठों में जितने भी नाम वाले शब्द हैं, तो अभी तक हमने पढ़ा है बच्चों नाम वाले शब्द, अगर हम नाम की बात करें तो नाम का मतलब होता है संज्ञा। आपने व्याकरण में भी पढ़ा है नाम का अर्थ है संज्ञा, किसी भी चीज के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे भी जो यह पाठ है इसमें हम जितने भी नाम वाले शब्द हैं उन सभी नाम वाले शब्दों को चित्र के रूप में देखेंगे, मतलब जो भी नाम वाले शब्द हैं सभी के चित्र बने हुए हैं, हम उन चित्रों को पहचानेंगे और फिर उसके नाम को उस वाक्य में मिला करके पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो बच्चों, कल भी मैंने बताया था यहाँ पे जितने भी नाम वाले शब्द हैं बुक में तो चित्र द्वारा दिया गया है, लेकिन हम यहाँ पे उन चित्रों के नाम को लिख करके पढ़ेंगे और समझेंगे। नाम का अर्थ है संज्ञा, जितने भी नाम होते हैं, जो भी किसी भी चीज़ के नाम हो, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और सभी यहाँ पे इस पाठ में भी जितने भी चीज़ों के नाम दिए गए हैं सभी को चित्र द्वारा दिया गया है, तो हम उन चित्रों को पहचानेंगे और उनके नाम को लिख करके वाक्य के साथ मिला करके पढ़ेंगे। तो बच्चों, चलिए हम शुरू करते हैं। पहला लाइन हमने कल लिखा भी था, तो यहाँ पे बच्चों इस पाठ में एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि इस पाठ में हम जिन भी शब्दों को देख रहे हैं वो नाम वाले शब्द हैं। आप सभी जानते हो कि नाम का मतलब होता है, नाम का अर्थ है किसी की पहचान, यानी हम किसी को भी उसके नाम से पहचानते हैं। तो यहाँ पे भी किसी के नाम, किसी का भी नाम उसका पहचान होता है, तो हम नाम से ही किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव को पहचानते हैं। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाहे वो सजीव चीज़ें हों या निर्जीव चीज़ें हैं, सभी के नाम होते हैं, इसीलिए नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम एक बहुत आवश्यक चीज़ होती है, नाम के बिना हम किसी भी चीज़ को पहचान नहीं सकेंगे या हम किसी से उसका संबोधन नहीं कर सकेंगे, यानी कि हम किसी को उसके बारे में समझा नहीं पाएंगे या बता नहीं पाएंगे। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पे कुछ वाक्य दिए गए हैं, वाक्यों में चित्र हैं, चलिए उन चित्रों को पहचानते हैं, उनके नाम को लिखते हैं और नाम को लिख करके वाक्य को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इस पाठ में बच्चों हमने पढ़ा कि कल जो बीत गया दिन उसको हम कल कहेंगे। कल किसका जन्मदिन है बच्चों, था बच्चों कल मीशा, यहाँ पे माँ पे बड़ी की मात्रा मीशा लिखा है, उसके साथ चित्र बना है। अब जो चित्र है बच्चों उसमें एक भालू का चित्र बना है, मैं उन सभी शब्दों को गोला बनाऊंगी जिसमें जो भी चित्र के रूप में, तो यहाँ पे भालू जो शब्द है हमने उस चित्र को पहचाना और शब्द को लिखा, यहाँ पे भालू चित्र द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पे क्योंकि भालू भी एक संज्ञा शब्द है, उसके नाम को ना दे करके यहाँ पे उसका चित्र दिया है, तो हमने यहाँ पे मीशा भालू को मीशा के साथ मिलाया, यानी कि भालू का नाम मीशा है। तो कल मीशा भालू का जन्मदिन था, का जन्म ज आधा न, द पे छोटी की मात्रा दी न, जन्मदिन थ पे आ की मात्रा था, कल मीशा भालू का जन्मदिन था। उसके बाद यहाँ पे फिर से चित्र है, किसका चित्र है, भालू का, तो हम यहाँ लिखेंगे भालू, जो भालू है उसका हम नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि आपको भालू का नाम अब पता है, तो यहाँ पे भालू की जगह पे हम मीशा भालू भी लिख सकते हैं, मीशा, भ पे आ की मात्रा भा और ल पे बड़े की मात्रा लू, भालू, मीशा भालू की माँ,
निशा भालू की माँ, मौपे आ की मात्रा माँ हम सभी की माँ होती हैं। और जब हमारा जन्मदिन होता है तो बहुत सारे इंतजाम करती हैं, घर को सजाती हैं, तरह तरह के पकवान बनाती हैं और उसके बाद बच्चों हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाती हैं। तो यहाँ पे भी निशा भालू की माँ ने क्या किया, ने घर को, नौपे ए की मात्रा ने घर, घर को पहला चित्र किसका है बच्चों, को के बाद पहला चित्र है गुब्बारे का। तो यहाँ पे ये गुब्बारे का चित्र है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गुब्बारे का चित्र है और इस गुब्बारे की जगह पे हम लिखेंगे, इसको मिटा करके हम गुब्बारा लिखेंगे। तो यहाँ पे गुब्बारे का चित्र है, तो यहाँ चित्र से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें चित्र को पहचान करके उसके नाम को लिखना है। गुब्बारे से सजाया, माँ ने घर को गुब्बारे, और हम इसको गोला बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे चित्र बना है, और यहाँ पे झालरे, झ पे आ की मात्रा झालरों, गुब्बारे और झालरों रों से सजाया, गुब्बारे और झालरों से सजाया। थ पे आ की मात्रा था, गुब्बारे और झालरों से सजाया था। उसके बाद माँ, माँ पे आ की मात्रा माँ चंद्रबिंदु, माँ मीशा भालू, माँ पे बड़े बड़े ई की मात्रा मीशा, और भ पे आ की मात्रा भा, ल पे बड़े की मात्रा लू, माँ मीशा भालू के लिए, क पे ए की मात्रा के, ल पे छोटी की मात्रा के लिए, माँ मीशा भालू के लिए क्या लाई, माँ मीशा भालू के लिए गेंद, यहाँ पे गेंद का चित्र बना हुआ है, ये है गेंद का चित्र, तो हम गेंद का चित्र नहीं बनाएंगे और यहाँ पे बल्ला बना हुआ है, बल्ला यानी बैट, यहाँ पे गेंद का चित्र बना हुआ है और बल्ला बना हुआ है। तो ये गेंद और बल्ला क्या लाएं, माँ मीशा भालू के लिए गेंद और बल्ला लाएं। तो हम यहाँ पे गेंद और बल्ले का चित्र नहीं बनाएंगे बल्कि लिखेंगे गेंद, ग पे बड़े, ग पे एक ही मात्रा गेंद, गेंद और ब आधा ल, ल पर आधी मात्रा ला, माँ मीशा भालू के लिए गेंद और बल्ला लाई, माँ मीशा भालू के लिए गेंद और बल्ला लाई थी, लाई थी। उसके बाद है पिताजी, और पे छोटे की मात्रा ता, पिता, जब पे बड़ी की मात्रा, जब पे बड़ी की मात्रा जी ने, पिताजी ने क्या लाया था, ने, अगला चित्र किस चीज का है, टी शर्ट, यहाँ पे हमारे पास है ट पे बड़ी की मात्रा और शर्ट, टी शर्ट, क्या लाए थे, टी शर्ट लाए थे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी शर्ट, यहाँ पे हम टी शर्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे टी शर्ट लाई, टी शर्ट और क्या लाए थे, और जूता, जूता, जूता दे ल वा ए थे, दिलवाए थ पे की मात्रा थे। अब बच्चों यहाँ पे टी शर्ट की भी का भी चित्र बना हुआ है, यहाँ पे टी शर्ट का भी चित्र बना हुआ है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे जूता का भी चित्र बना हुआ है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि ये पहला पैराग्राफ है, उसके बाद एक और वाक्य यहाँ पे बचा है, अगले वाक्य में है मीशा, माँ पे बड़ी ई की मात्रा, श पर आ की मात्रा, भालू, भ पे आ की मात्रा, ल पे बड़े की मात्रा, मीशा भालू, मीशा भालू बहुत प्रसन्न था, ब ह पे छोटे की मात्रा, हू तब बहुत प्र स आधा न और पूरा न, प्रसन्न थ पे आ की मात्रा था। तो बच्चों यह है पहला अनुच्छेद, एक बार मैं फिर आपको पढ़ के बताती हूँ, यहाँ पे है कल, कल मीशा भालू का जन्मदिन था,
कल मीशा भानु का जन्मदिन था। मीशा भानु माँ मीशा भानु यहाँ पे की आएगा, कौ पे बड़ी की मात्रा, की माँ ने घर को गुब्बारे और झालरों से सजाया था। माँ ने घर को कैसे सजाया था? गुब्बारे और झालरों से सजाया था। माँ मीशा भानु के लिए गेंद बल्ला लाई थी। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूता दिलाए थे। जूते लिखते हैं यहाँ पे, जूते। पिताजी ने उसे टी शर्ट और जूते दिलाए थे। मीशा भालू बहुत प्रसन्न था। अब बच्चों, जितने भी शब्दों को मैंने यहाँ पे गोल बनाया है, वो शब्द सारे ये सारे शब्द नाम वाले हैं, यानी संज्ञा शब्द हैं, और ये सभी शब्द हमारी किताब में चित्रों द्वारा दिए गए हैं। तो इसलिए बच्चों, मैंने कहा जो ये पाठ है ये थोड़ा सा अलग है, बाकी पाठों से भिन्न है, क्योंकि इससे पहले ऐसा हमने कोई भी पाठ नहीं पढ़ा जिसमें जो संज्ञा शब्द हैं या फिर नाम वाले शब्द हैं वह चित्र द्वारा दिए गए। तो यहाँ पे इस पाठ में जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो सभी चित्रों द्वारा दिए गए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे चित्र को पहचान करके उनके नाम लिखे हैं। तो इससे पहले भी जितने भी हमने पाठ पढ़े थे, संज्ञा शब्दों को गोल बना करके हमने उसे समझने की कोशिश की थी, और अभी तक लगभग आपको समझ में आ गया होगा कि किन किन शब्दों को हम संज्ञा शब्द कहते हैं। तो जितने भी नाम वाले शब्द होते हैं उनको हम संज्ञा शब्द कहते हैं, और यहाँ पे इस पाठ में जितने भी नाम वाले शब्द हैं सबको चित्रों द्वारा दिया गया है। तो पहला अनुच्छेद है जिसको हमने पढ़ा और समझा, कल मीशा भालू का जन्मदिन था। जन्मदिन का मतलब होता है, आप सभी जानते हो, सालगिरह, जिस दिन हम पैदा होते हैं हर साल उस दिन को मनाते हैं जन्मदिन के नाम से, क्योंकि उस दिन हमारा जन्म हुआ था इसलिए हम उसे जन्मदिन कहते हैं। तो उस दिन को हम अलग अलग तरह से मनाते हैं, कल भी इस बारे में हमने विचार किया था, और यहाँ पे भी जो मीशा भालू है उसका जन्मदिन था, इसलिए उसकी माँ ने और पिताजी ने उसे मनाया, उसके जन्मदिन को मनाया, और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आए थे, और उसके अलावा उन्होंने घर को भी बहुत अच्छे से सजाया था। किसने घर को सजाया था? माँ ने सजाया था। तो माँ ने घर को भी सजाया था। तो यहाँ पे बच्चों, यह पहला अनुच्छेद है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कठिन शब्द भी हैं, जैसे कि आप देख सकते हो मीशा है जिसको आप लिखकर याद करेंगे, जन्मदिन है, उसके बाद माँ है, उसके बाद झालरों से, उसके बाद है दिलवाए, उसके बाद है प्रसन्न। अब बच्चों, जन्मदिन का मतलब आपको मैंने बताया सालगिरह, और प्रसन्न, प्रसन्न का मतलब क्या होता है? खुश। प्रसन्न का मतलब होता है खुश होना। तो यहाँ पे जब भी किसी को उपहार मिलता है तो वो बहुत खुश होता है। यहाँ पे भी मीशा भालू का जन्मदिन था, उसके जन्मदिन पर उसे बहुत सारे उपहार मिले थे इसलिए वो बहुत खुश था। और उसके अलावा भी बच्चों, जन्मदिन हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन होता है, या बहुत बहुत खास दिन होता है। उस दिन हमें बहुत सभी लोग बस हमारे बारे में बातें करते हैं, और हमारी कुछ ज़्यादा ही पूछ होती है, इसलिए हमें अच्छा लगता है, सब हमें हमारे लिए चीज़ें लेकर के आते हैं, मतलब उपहार लेकर के आते हैं। घर वाले भी उस दिन हमें बहुत प्यार करते हैं, कोई डांटता नहीं है, कोई मारता नहीं है, और स्कूल में भी डांट नहीं पड़ती, इसलिए उस दिन हम बहुत खुश होते हैं और उस दिन का पूरे साल इंतज़ार करते हैं। अगर आज मेरा जन्मदिन बन गया तो अगले दिन से ही हम अगले जन्मदिन का इंतज़ार करने लगते हैं, बहुत सारे प्लानिंग्स करने लगते हैं, बहुत सारे तरीके सोचने रहते हैं कि और अच्छे से हम अपना जन्मदिन कैसे मना सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, पहला पैराग्राफ हमने समझ लिया। उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा अनुच्छेद। दूसरे अनुच्छेद में फिर मीशा भालू का चित्र है। यहाँ पे हम लिखेंगे मीशा, अब मीशा की जगह हम भालू भी लिख सकते हैं और मीशा भी लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे मीशा, एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पे मीशा शाम को, अब बच्चों शाम हो गई, मीशा शाम को टी शर्ट और जूते पहनकर हाथ में गेंद और बल्ला लेकर खेलने निकला। सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था, हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, क्यों मित्र,
कहाँ चले, तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो कि जो मीशा है उसको माँ ने उपहार में गेंद और बल्ला दिया था। शाम होने पर वह अपने नए टी शर्ट और जूते पहनता है और गेंद बल्ला लेकर के खेलने के लिए निकल जाता है, क्योंकि गेंद बल्ला जो है एक तरह का ऐसा ऐसी वस्तु है जिससे हम खेल खेलते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, तो वह भी उससे खेलने के लिए निकल गया। और बच्चों आप सभी जानते हो क्रिकेट ऐसा खेल है जिसे हम अकेले नहीं खेल सकते, हमें कुछ और साथियों की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे जो मीशा है वह अपने गेंद बल्ले को लेकर के निकल जाता है और चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। तो चलो पहला वाक्य है बच्चों, मीशा शाम को, शा और म, शाम को, कॉपियों की मात्रा को टी शर्ट और जूते पहनकर, टी शर्ट और जूता जूते पहन कर टी शर्ट और जूता पहनकर एक साथ होगा, हाथ में, हाँ पे आ की मात्रा, हाथ में, माँ पर एक ही मात्रा, में गेंद और बल्ला, हाथ में गेंद, पहली चित्र गेंद की है और बल्ला दूसरा चित्र बल्ले का है, ब आधा ल पूरा ल बल्ला, लेकर ल पे एक ही मात्रा लेकर खेलने, ख पर एक ही मात्रा खे, ल और न पर एक ही मात्रा ने, खेलने निकला, न पे छोटी की मात्रा नी, क ल पर आ की मात्रा निकला। उसके बाद सामने, स पर आ की मात्रा सा, म न पर एक ही मात्रा ने, सामने से, स पर एक ही मात्रा से, क पर आ की मात्रा का और ल पर आ की मात्रा ला, काला चश्मा, चश्मा काला चश्मा लगाए बंदर ब पे बिंदी द र बंदर आ र हा थ पे आ की मात्रा था बंदर आ रहा था। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी शब्द यहाँ पे हमें संज्ञा शब्द है या नाम वाले शब्द हैं उनको हमने यहाँ पे गोला बना करके लिखा है। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बंदर आ रहा था, हाथ में, बंदर के हाथ में क्या है, हाथ पे आ की मात्रा, हाथ में, बंदर के लिए आगे देखते हैं हाथ में छड़ी, छड़ी हाथ में छड़ी लिए कौन आ रहा था, हाथ में छड़ी लिए कौन आ रहा था, लिए किसका चित्र है, लोमड़ी हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी, भी भ पे बड़ी की मात्रा, भी उसके स पे आ की मात्रा साथ, उसके साथ थी, थ पे बड़ी की मात्रा थ्री। अब लोमड़ी बोली ल पे ओ की मात्रा, लो म ल पर री, लोमड़ी बोली ब पे ओ की मात्रा वो ली, लोमड़ी ने क्या बोला, लोमड़ी बोली क्यों मित्र, म पे छोटी की मात्रा मित्र, क्यों मित्र, कहाँ चले क हाँ कहाँ, च ल पर एक ही मात्रा ले, कहाँ चले, क्यों मित्र कहाँ चले। अब बच्चों आप देख सकते हो कि ये जो पूरा अनुच्छेद है इसमें सबसे पहला जो शब्द है मीशा, यहाँ पे भी भालू का चित्र बना है, मीशा भालू का, उसके बाद टी शर्ट
और जूता, जूता में भी चित्र है, चित्र टी शर्ट और जूता का भी चित्र बना हुआ है। उसके बाद हाथ में गेंद का भी चित्र बना हुआ है, बल्ला, बल्ला का भी चित्र बना हुआ है, लेकर खेलने निकला, सामने से काला चश्मा लगाए बंदर आ रहा था, हाथ में छड़ी लिए, छड़ी का भी चित्र है, छड़ी लिए लोमड़ी, लोमड़ी का भी चित्र है, भी उसके साथ थी, लोमड़ी का फिर से चित्र है। और लोमड़ी बोली, क्यों मित्र कहाँ चले। अब बच्चों इस अनुच्छेद में हमने देखा कि मीशा टी शर्ट और जूता जो कि उसके लिए उसके पिताजी लाए थे उसे पहन करके, हाथ में गेंद और बल्ला जो कि उसकी माँ उसके लिए लाई थी, लेकर खेलने निकले। उसके बाद सामने से काला चश्मा, काला चश्मा लगाए कौन आ रहा था, बंदर आ रहा था। आप चित्र में भी देख सकते हैं बंदर ने काला चश्मा लगाया है, वह सामने से आ रहा था। हाथ में छड़ी लिए कौन आ रहा था, बंदर के साथ हाथ में छड़ी लिए लोमड़ी भी आ रही थी और भी उसके साथ थी। लोमड़ी बोली, लोमड़ी बोली क्यों मित्र कहाँ चले, क्योंकि बंदर और लोमड़ी एक साथ आ रहे थे तो लोमड़ी ने किससे पूछा, लोमड़ी ने मीशा भालू से पूछा क्यों दोस्त या क्यों मित्र कहाँ चले। मीशा ने लोमड़ी ने मीशा से पूछा क्यों मित्र कहाँ चले। तो यहाँ पे मीशा कहाँ जा रहा था, मीशा शायद खेलने जा रहा था और किसी मैदान की खोज में जा रहा था, क्योंकि जो क्रिकेट का खेल है। तो बच्चों जब लोमड़ी ने मीशा को देखा तो उसने कहा क्यों मित्र कहाँ चले। इस तरह से बच्चों यहाँ पे देखा आपने कि मीशा नाम है, मीशा का चित्र बना है, टी शर्ट नाम है, टी शर्ट का चित्र बना है, जूता नाम है, जूता का चित्र बना है, बल्ला नाम है, बल्ला का चित्र बना है, गेंद नाम है, गेंद का चित्र बना है, चश्मा नाम है, चश्मा का चित्र बना है, बंदर नाम है, बंदर का चित्र बना है, छड़ी नाम है, छड़ी का चित्र बना है, लोमड़ी नाम है, लोमड़ी का चित्र बना है, फिर दोबारा लोमड़ी का चित्र बना है। और बच्चों यहाँ पे जो मित्र शब्द है उसे नीले रंग से लिखा है, यानी कि मित्र का अर्थ क्या होता है, मित्र का अर्थ होता है दोस्त। तो बच्चों दोस्त का मतलब होता है वो इंसान जो हमारे साथ खेलता है, हमारे साथ हम अपनी सीक्रेट्स उसके साथ शेयर करते हैं, समय पे हमारी हेल्प करता है। तो यहाँ पे जो लोमड़ी है वो मीशा को देखता है और उससे पूछता है क्यों मित्र कहाँ चले। तो चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला अनुच्छेद। अब मीशा क्या बोला, मीशा बोला यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला। मीशा ने लोमड़ी को गेंद और बल्ला दिखाते हुए कहा यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला, चलो खेलते हैं, और उसने लोमड़ी से खेलने को कहा। अब हाँ हाँ चलो, तो लोमड़ी ने भी कहा हाँ हाँ चलो। तीनों चल दिए, रास्ते में उन्हें कौन मिला बच्चों, रास्ते में उन्हें किसका चित्र है, खरगोश का चित्र है। तो जब वो आगे बढ़े तो रास्ते में उन्हें खरगोश मिला, और खरगोश के साथ किसका चित्र है, हिरण का चित्र है। तो रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरण मिल गए, वे भी उनके साथ खेलने चल दिए, वे भी उनके साथ खेलने चल दिए। सब मैदान में पहुंचे तभी हाथी, किसका चित्र है, हाथी का चित्र है, हाथी और किसका चित्र है, शेर का चित्र है, शेर भी वहां आ गए। हाथी बोला मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ, और हाथी ने उनकी मदद करने को कहा। सहायता का मतलब मदद करना, हेल्प करना, तो हाथी ने उनकी मदद करने को कहा। तो चलिए हम इस अनुच्छेद को भी लिख करके समझ लेते हैं। यहाँ पे भी हमें जितने भी नाम वाले शब्द हैं बहुत उनका चित्र बना हुआ है, हम चित्र नहीं बनाएंगे, नाम वाले शब्दों को का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगला है बच्चों, मीशा म पे बड़ी की मात्रा, मी श पर आ की मात्रा, मीशा
बोला, ब पे ओ की मात्रा भो, ल पे आ की मात्रा बोला, वाह यह मीशा बोला यह, द पे ए की मात्रा दे, ख पर ओ की मात्रा खो, यह देखो मेरा, म पे ए की मात्रा मे, र पर आ की मात्रा मेरा, मेरा नया, मेरा न और य पर आ की मात्रा नया, नया क्या दिखाया उन्होंने, मीशा ने गेंद और बल्ला दिखाते हुए कहा यह देखो मेरा नया गेंद और बल्ला। मीशा बोला यह देखो मेरा नया गेंद। यहाँ पे फिर से चित्र है बच्चों, पहले तो मीशा का चित्र है, उसके बाद यहाँ पे फिर गेंद का चित्र है, गेंद मेरा नया गेंद और अपे ओ की मात्रा और बल्ला, ब आधा ल और पूरा ल, बल्ला गेंद और बल्ला। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो बल्ला के बाद पूर्ण विराम है, चलो मीशा उनको खेलने को कहता है, चलो खेलते हैं, मीशा उन्हें खेलने को बुलाता है और कहता है चलो खेलते हैं, मतलब ये अपने दोस्तों के साथ अपने खेलने वाली वस्तुओं को बांट करके खेलना चाहते हैं, यानी वो मिलजुल कर खेलना चाहता है, तो ये अच्छी बात है बच्चों। खेल हमेशा हम मिलजुल करके खेलते हैं, हमारे पास जो भी चीज़ें होती हैं हम दूसरे के साथ उसको बांट करके या दूसरे के साथ मिलकर उस चीज़ से खेलते हैं। तो यहाँ पे गेंद और बल्ला खेलने वाली चीज़ है, वैसे भी गेंद और बल्ले से हम अकेले तो खेलेंगे नहीं, हमें कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे भालू ने भी इन लोगों को अपने साथ खेलने के लिए बुला लिया। उसके बाद बच्चों यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा हाँ हाँ, हामी भरी इन लोगों ने, यानी वो खेलने को तैयार थे, चलो च और ल पर ओ की मात्रा चलो, और उसके बाद तीनों, त पे बड़ी की मात्रा ती, न पे ओ की मात्रा नो, तीनों चल दिए, च और ल चल, द पे छोटी की मात्रा दी ए, तीनों चल दिए, रास्ते, र पर आ की मात्रा आधा स, त पर ए की मात्रा रास्ते, में, म पे ए की मात्रा में, उन्हें उ आधा न, ह पर ए की मात्रा उन्हें, कौन मिला, किसका चित्र है बच्चों, खरगोश, ख र ग पे ओ की मात्रा गो श, रास्ते में उन्हें खरगोश और हिरण, ह पे छोटी की मात्रा र न, हम हिरण भी लिख सकते हैं और ण भी लगा सकते हैं, हिरण भी लिख सकते हैं, तो हिरण खरगोश और हिरण मिल, म पे छोटी की मात्रा मिल गए ग ए। अब यहाँ पे देख सकते हैं हिरण का भी चित्र है और खरगोश का भी चित्र है। उसके बाद बच्चों आप देख सकते हैं अगले वाक्य में, वे सभी, वे व पे ए की मात्रा, स पे स और भ पे बड़ी की मात्रा, वे सभी नहीं, वे भी सिर्फ भी होगा, वे भी उनके उ न के, उनके स पे आ की मात्रा साथ, उनके साथ खेलने, ख ल न पे ए की मात्रा ने खेलने, च और ल चल, द पे छोटी की मात्रा वी ए, उनके साथ खेलने चल दिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पे जो भी नाम थे उन सब पे हमने गोल बना दिया, यानी कि मीशा, गेंद, बल्ला, खरगोश, हिरण, ये सब नाम वाले शब्द थे, इन पर भी हमने गोला बनाया, ये सारे नाम वाले शब्द चित्रों द्वारा दिए गए थे, हमने इन चित्रों को पहचाना और उनका नाम लिखा। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो यहाँ पे ये सभी लोग खेलने के लिए तैयार हो गए और आगे बढ़ गए। अब बच्चों बताइए कितने लोग यहाँ पे खेलने वाले हो गए, यहाँ पे खेलने वाले 5 लोग हो गए, कौन कौन हो गया, एक तो मीशा भालू, दूसरा बंदर, तीसरा लोमड़ी, चौथा खरगोश, पांचवा हिरन, तो 5 लोग खेलने वाले हो गए। तो हमने जैसा कि अगले वाक्य में देखा, सब मैदान, स ब मैदान, मैदान क्रिकेट हम मैदान में खेलते हैं, हम क्रिकेट इधर उधर या घर में तो खेल नहीं सकते, छोटी जगह पे खेल नहीं सकते, और मैदान भी छोटे मोटे खुले जगह पे नहीं खेल सकते, जब तक कि
कायदे का मैदान ना हो। पहुंचे तभी त भ पे बड़ी की मात्रा भी कौन आया हाथी ह और थी आ की मात्रा हाथी और अ पे अ की मात्रा और र और शेर श पे बड़ी की श पे ए की मात्रा शेर र शेर शेर भी भ पे बड़ी की मात्रा भी व हाँ वहाँ आ गए ग और ए गए बोला व पे ओ की मात्रा वो ल पे आ की मात्रा ला बोला तुम मैं तुम्हारी आधा म हारी तुम्हारी मदद यानी सहायता सहायता तुम्हारी सहायता करता करता ह पे बड़ियों की मात्रा हूँ और चंद्रबिंदु। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हो ये हाँ जैसा कि मैंने आपको बताया था आपको पहले भी दो पाठ पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दिए हुए शब्द को किसी की बात को जैसे वो बोलता है वैसे ही रखते हैं तो हम उसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखते हैं। तो यहाँ पे भी हमने हाँ हाँ से शुरू किया और हूँ तक पूरी बात को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखी है। तो यहाँ पे हाथी यहाँ से हाँ हाँ चलो फिर उसके बाद हाथी की बोली गई बात मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ हाथी ने बोला उसकी बात को भी हमने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है। तो यह कुछ शब्द थे जो कि चित्रों द्वारा दिए गए थे और इनको हमने यहाँ पर लिख करके उन पर गोला बनाया। तो ये सभी नाम वाले शब्द हैं जो चित्रों द्वारा दिए गए थे। तो बच्चों इस तरह से हमने इस पाठ का पहला पृष्ठ पढ़ लिया है। कल आगे की कहानी पढ़ेंगे। तो इस पाठ में हमें जितने भी नाम वाले शब्द हैं वो चित्रों द्वारा दिए गए हैं इसलिए हमने उन नामों को लिखा है यहाँ पे उसके ऊपर गोला बनाया है। तो बच्चों जो भी हमने अभी पढ़ा उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। कल एक बार फिर मिलेंगे आगे के अभ्यास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।